वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन टैन रिमूवल के ऊपर। एक ग्लोइंग स्किन सबको बहुत पसंद आती है, बट अपना टोन नीचे जाए वो किसी को पसंद नहीं आता। एक ग्लो तो सबको अच्छा लगता ही है, बट जब फेस अपना डल हो रहा हो, पुरानी फोटोज देखो और फेस डल नजर आता है, वो किसको पसंद आता है। अब जब आप बाहर रहोगे तो टैनिंग होगी, तो ये तो होना ही है। फेस डल भी होगा, ग्लो भी होगा, दोनों चीजें आएंगी। आप मेक श्योर करते हो कि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, बट सन मेक श्योर करता है कि वो अच्छे से आपकी स्किन को टैन करे। अब सन तो अपना काम कर ही रहा है टैनिंग करने का, बट आपको अपने स्टेप्स लेने होंगे ताकि आप टैनिंग हटा पाओ। हमने वैसे एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है टॉप 10 डी टैन पैक्स के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम होम रेमेडीज के बारे में बात करने वाले हैं। हमने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट तो आपको बहुत बता ही दिए, बट आज की वीडियो में हम बताएंगे ऐसी होम रेमेडीज जिससे आप सन टैन इफेक्टिवली हटा सकते हो और आपको सैलून जाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर पे आपकी टैनिंग हटेगी, वो भी प्रॉपरली विद इफेक्टिव रिजल्ट्स फ्रॉम फर्स्ट यूज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 7 होम रेमेडीज फॉर रिमूविंग सन टैन एट होम। नंबर 1, कर्ड और हल्दी का पेस्ट। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपका सन टैन हटाने में। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। एक आपने लेनी है हल्दी, दूसरा आप लेना है दही। दोनों को प्रॉपरली मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। जहां जहां आपको टैनिंग फील हो रही है, चाहे आपका फेस हो, बॉडी हो, कोई भी बॉडी का हार्ड पार्ट हो, उसको आप वहां पर लगा लो। 15 से 20 मिनट, लगभग 30 मिनट तक भी लीव ऑन कर सकते हो, एंड देन आप उसको वाटर से रिंस कर सकते हो। इनिशियली आपको ये रोज लगाना है, और जब आपको लगे मेरी सन टैन थोड़ा सा कम हो गया है, तब आप इसको थ्राइस इन अ वीक शुरू कर सकते हो। बहुत इजी होम रेमेडी है, इजीली आपको आपकी किचन में मिल जाएगी। और रिजल्ट्स की हम बात करें तो महंगे कॉस्मेटिक्स डी टैन के बराबर आपको ग्लो मिलने वाला है, वो भी एट होम, वो भी विद इन 15 मिनट्स। होम रेमेडी नंबर 2, एक टैनिंग फेस पे बहुत बुरी लगती है, दूसरी बॉडी पे बहुत बुरी लगती है, और लेग्स पे हो जाए तो वो बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है। यूजुअली होता क्या है, समर्स में इतनी गर्मी होती है तो हर कोई शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करता है, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, और जो लेग्स की टैनिंग होती है वो इतनी गंदी लगती है, प्रॉपरली नजर आती है। तो उसको हटाने का आसान तरीका आपको बताते हैं। हम आपके लिए एक नाइट क्रीम सी रेडी करेंगे। उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए हल्दी और दूसरा आपको चाहिए लेमन जूस। दोनों को प्रॉपरली आपने मिक्स कर लेना है और रात को आपने लगाना है आफ्टर बिफोर स्लीपिंग। आपने प्रॉपरली इसका पेस्ट अपने लेग्स पे लगा लेना है, या जहां जहां आपको हार्ड टैन फील हो रहा है आपने प्रॉपरली इसको लगा लेना है, और आपने इसको वॉश करना है नेक्स्ट मॉर्निंग। आपको फर्स्ट मॉर्निंग में ही डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा कि हमें विजिबल रिजल्ट्स मिले हैं, बिकॉज जो लेग्स की टैनिंग होती है वो कंपैरेटिवली हमारी स्किन हार्ड होती है। तो सिर्फ आप इंस्टेंटली 30 मिनट्स का पैक लगाओ तो वो ग्लो नहीं आ पाता, तो आपको ओवरनाइट लीव ऑन करना पड़ता है। सिर्फ दो चीजें चाहिए आपको, अगेन आपको आपकी किचन में मिल जाएगी। इसको रात में लगाओ और नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हो मैजिकल टैन रिमूवल एट होम। होम रेमेडी नंबर 3, आपको अब चाहिए दो चीजें। एक आपको चाहिए बेसन और दूसरा आपको चाहिए कर्ड वाटर, बेसिकली दही का पानी। आपने दोनों को प्रॉपरली मिक्स करके एक पैक रेडी कर लेना है। ये वाला पैक भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है सन टैन हटाने के लिए, चाहे टैनिंग आपके फेस पे हुई हो, बॉडी पे हुई हो, नेक पे हुई हो। आपने इसको लगा लेना है, 30 मिनट्स तक के लिए लीव ऑन कर देना है, और आपको दिखेगा मैजिकल ग्लो। ये जो होम रेमेडीज होती है ना, ये बहुत बढ़िया होती है फॉर 2 रीजंस। एक तो आपको कोई नुकसान नहीं देती, बिकॉज ये 100% हर्बल है, होम डिराइव्ड है, घर की चीजों से बनी हुई है, नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई है। जबकि जो मार्केट वाले डी टैन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है। तो ये वाला पैक आपको इफेक्टिवली टैनिंग हटाएगा और विजिबल रिजल्ट्स दिखाएगा फ्रॉम फर्स्ट यूज। होम रेमेडी नंबर 4, आपने एलोवेरा के फेस पैक बहुत से देखे होंगे, एलोवेरा के शीट मास्क बहुत से देखे होंगे। अब आपको बताते हैं प्योर एलोवेरा आपकी टैनिंग कैसे हटा सकती है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, अपना जो एलोवेरा का आपका प्लांट है, आपने एक उसकी स्टिक लेनी है, आपने उसको फ्रिज में रख देना है। जब वो ठंडा हो जाए प्रॉपरली, तब आपको आपने उसको प्रॉपर फेस पे लगाना है या जहां जहां आपकी टैनिंग हो रही है। देन आप उसको 30 मिनट्स के लिए लीव ऑन करो, एंड देन आप उसको ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो। आपको विद इन अ वीक डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा टैन रिमूवल में। दूसरा तरीका ये है, आप प्योर एलोवेरा जेल लो, चाहे आप मार्केट से ले आओ या घर की डिराइव्ड हो, आपने उसको करना है फ्रिजर में रखना है, एंड देन जब उसकी आइस क्यूब रेडी हो जाए आपने हल्के हाथ से उसको रब करना है अपने फेस पे। जहां जहां आपको फील हो रहा है मेरे ब्लेमिशेस हैं या टैनिंग है, आपने वहां वहां इसको रब करना है। 1 वीक में आपको विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, आपके पोर्स वगैरह भी टाइट रहेंगे और टैनिंग भी प्रॉपर रिमूव हो जाएगी। होम रेमेडी नंबर 5, अब हम एक और फेस पैक रेडी करेंगे आपके लिए। आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। एक आपको चाहिए ओट्स, सेकेंड आपको चाहिए लाइम जूस, थर्ड आपको चाहिए टमाटो जूस। तीनों को आपने प्रॉपरली मिक्स कर लेना है, एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी कर लेना है। जहां जहां आपको टैनिंग फील हो रही है आपने वहां वहां इसको अप्लाई करना है। ये सारे प्रोडक्ट्स मिलके आपके एक ग्लो पैक रेडी हो जाता है, जो फेस पे बढ़िया सा ग्लो भी देता है और टैनिंग भी इफेक्टिवली हटाना है।
लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे आपका फेस पैक रेडी हो गया, आपने उसको लीव ऑन कर देना फॉर लाइक 30 मिनट्स, एंड देन आप इसको वाटर से रिंस कर सकते हो। ठंडे पानी से करो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज गर्मियों का टाइम है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी आपको मिलेगा। जैसे आप लगा लो, अगर आपको फील हो हल्का फुल्का आपके फेस पे ड्राइनेस हो रही है, तो उसके बाद आप रोज वाटर लगा सकते हो। रोज वाटर मेक श्योर करेगा आपके पोर्स भी टाइटन अप रहे और हल्का फुल्का मॉइस्चर बैलेंस भी रहे। होम रेमेडी नंबर 6, कि जितने भी हमने फेस पैक आपको बताए हैं, ये सारे फेस पैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बट आपने आफ्टर स्टेप्स भी थोड़े से लेने हैं। जैसे आपने ये फेस पैक्स लगाए, चाहे वो मार्केट वाले लाओ या फिर आप होममेड लगाओ, आपने उसके बाद अप्लाई करना है कॉटन से कोकोनट वाटर अपने फेस पे। प्योर कोकोनट वाटर लोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। उसको अपने पूरे फेस पे लगा लो, ये मेक श्योर करेगा आपकी स्किन में कभी भी मॉइस्चर लॉस ना हो, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो, और मेक श्योर करेगा जितने भी लॉस न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जैसे जब आप प्रॉपर हार्ड पैक्स लगाते हो, ये मेक श्योर करेगा वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके फेस पे रिटर्न हो और आपकी जो टैनिंग है, वो जो हटी है, वो लंबे समय तक ग्लो आपका बना रहे। होम रेमेडी नंबर 7, हमने आपको इतने सारे फेस पैक बता दिए, अब हम बनाएंगे एक फ्रूट पैक आपके लिए। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्योर पपाया की। उसका पल्प आपको चाहिए होगा जो कद्दूकस करके आपको मिल जाएगा, वो आपने पल्प रेडी करना है और उसको अपने फेस पे लगा लेना है। पपाया में जो होता है वो बहुत सी एंटी ब्लेमिश प्रॉपर्टीज होती है। आप मार्केट में भी जब कोई फेस पैक लेने जाओगे फॉर ब्लेमिशेस, आपको पपाया ही रिकमेंड किया जाएगा। आपने उसका जो पेस्ट अपने फेस पे लगाओ, उसको 30 मिनट्स के लिए लीव ऑन करना है, एंड देन आप उसको वाटर से रिंस कर सकते हो। आपको विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, एक आपके ब्लेमिशेस पे, दूसरा सन टैन रिमूवल पे। ये वाला पैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज ये फ्रूट डिराइव्ड है और एकदम नेचुरल है, तो ना आपकी स्किन ड्राई करेगा, मेक श्योर करेगा आपके फेस पे प्रॉपर हाइड्रेशन भी रहे और जो टैनिंग हमारा मेन कंसर्न है उसको भी हटाएगा और आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन देने का काम करेगा। तो ये थे हमारे 7 होम रेमेडीज फॉर रिमूविंग सन टैन एट होम। अगर आप ये होम रेमेडीज करने के लिए बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हो, तो आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां आपको लिंक मिल जाएगा मार्केट के बढ़िया डी टैन पैक्स के ऊपर। बट अगर आप इतना टाइम दे सकते हो तो इनमें से जरूर ट्राई करो, आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा सन टैन रिमूवल में भी और पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस में भी। आपका फेवरेट कौन सा रहा इसमें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब भी आप ये फेस पैक ट्राई करें, हमें उसके रिजल्ट्स भी जरूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो पाए कि ये फेस पैक्स आखिर में इफेक्टिव है या नहीं है। आपका रिजल्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।